के नाम पर पेट दर्द ना हो, जो मन में डांट का डर ना हो। अरे अगर क्लास में ना हो बोर, तो भला हम क्यों मचाए शोर। तो सुनिए आज हम बच्चों की बातें। अरे सिर्फ सुनिए नहीं, सोचिए भी, ताकि पेट ना दुखे। आज खुद बुद्ध पूरे एक साल का हो गया है। इस एक साल में हम मिले हर हफ्ते 52 हफ्ते, अलग अलग गांव में, शहरों में, अलग अलग स्कूलों में, देश के कोने कोने में, और हमने खेले विज्ञान के खेल। आज अपने लास्ट एपिसोड में भी हम खेलेंगे, लेकिन हमारे साथ बच्चे नहीं, उनके मम्मी पापा। इतनी बड़ी बुकें और इतने बड़े बक्से देख के तो मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारा बचपन जो है बहुत बढ़िया था, और आज का बचपन बहुत बोझिल है। मुझे लगता है कि हम थोड़े काफ़ी सिंपल थे, और उस सिंपलिसिटी में हमने काफ़ी कुछ सीखा और हमने एंजॉय भी किया। बच्चों के ऊपर पढ़ाई का बोझ है जो मेरे बचपन में मैंने कभी भी नहीं देखा, सिर्फ खेल कूद में ही हमारा बचपन बीता है। हमने केवल रटना सीखा, हम सिर्फ रट रट के पढ़े और आगे बढ़े और अच्छे मार्क्स लिए, बहुत अच्छी पढ़ाई की, सब ठीक था। बाकी स्टडीज तो मुझे अभी याद नहीं आ रही है, बिकॉज रटे हुए चीज़ वैसे भी दिमाग में रहती नहीं है काफ़ी देर तक। उसे घर से बाहर भागना होता है, भले ही वो स्कूल हो या फिर प्लेग्राउंड हो या फिर फ्रेंड्स हो। Are we ready to play? Yes! मेरे हाथ में ये एक स्ट्रिंग है, आपका चैलेंज है ये। चैलेंज गांठ बांधने का, शर्त ये कि धागे को जो एक बार पकड़ा तो ना छोड़ सकते हैं, ना पकड़ बदल सकते हैं। बांधनी है बस एक साधारण गांठ। गांठ की उलझन में उलझे आज बड़े, खेल हटकर सोचने का। समझ ही नहीं आ रही क्या? बहुत कंफ्यूजन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कंफ्यूजन अच्छा या बुरा, उलझ गए हैं सब गांठ के चक्कर में। हमने कहा कुछ अलग सोचो, दिमाग खोल के। I mean not totally, I'm so conditioned to tying it like this, I can't think. सब ने मानी हार तो हमने खोला राज, गांठ धागे में तो पहले बांधो हाथ। दिमाग की बत्ती खुल गई। ऐसा लगा कि oh my god, हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा अलग सोचा होता तो कितना आसान था। आज का खेल बड़ों में सोच जगाने के लिए। एक चीज के कई सॉल्यूशन हो सकते हैं, तो उनको ये ऐसा नहीं करना चाहिए कि मैं जो बोल रही हूँ वही होना चाहिए। करना है अपने हिसाब से, सोच के करो, अपने आप करो। हर चीज में जैसे मम्मा ने कहा बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा करने की जरूरत नहीं है। आई थिंक मैं वो शायद शुरू कर दूंगी। खुद बुद्ध की नींव बिल्कुल यही, बच्चों को खुले दिमाग से सोचने समझने और विज्ञान अप्लाई करने देने का मौका, खुद अपनी बुद्धि लगाने का मौका। बातें वही जो किताब में, लेकिन किताब के बिना। करके देखने सोचने समझने की ताकत का खेल। सीखना सिखाना जिसमें मौलिकता, आजादी। हाथ से बनाए खेल खिलौने और बहुत सी आजादी। सबसे अहम जो अवधारणा है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग है कि बच्चे करके सीखते हैं। अब आप एक उदाहरण ले लीजिए तैराकी का, आप चाहे कितने भी पोथियां, कितनी भी किताबें पढ़ें स्विमिंग के ऊपर, जब तक आप तालाब के अंदर कूदेंगे नहीं, हाथ पैर नहीं मारेंगे। मेरे ख्याल से छोटे बच्चों के लिए, विज्ञान के लिए ये उतना ही सच है। धागा बंधा है, एक से एक टकरा रही है।
बच्चे करके सीखते हैं, समझते हैं, तब जब हम उनके तरीके से बात करें। जो चीज हम करेंगे एंगेज करके करेंगे, दिलों जान से करेंगे, हाथ पैर आंखें ईयर्स नोज हर चीज इन्वॉल्व हो जाता है, तब हर चीज याद रखता है, ना कि सिर्फ दिमाग। जो फोर्स में आ हुआ पीछे गया वो फोर्स में वो आगे, ऐसा मैंने साइंस की क्लास में नहीं पढ़ा था। और ये राय सिर्फ एक्सपर्ट्स की नहीं, खुद बच्चों की भी। लोग कहते हैं कि खेलने में पढ़ाई नहीं होती है, लेकिन आज देखा तो होती है। ये हो ही नहीं सकता कि हम इसे भूले, क्योंकि ये बहुत मजेदार था। अपनी बुद्धि चलाए तो हम अच्छे से अच्छे को अपना काम में ला सकते हैं। एनसाइक्लोपीडिया में पढ़ते वो अच्छी बात है, लेकिन ऐसे देखते तो और हमको प्रैक्टिकली समझ में आ सकता है। अभी लगी आग, कौन भागा, आते जाओ भागते जाओ, आते जाओ भागते जाओ। आँखों से देखकर, हाथों से छूकर, चीजों को तोड़ने जोड़ने में, खुद परखने में जो बात समझ आती है वो सिर्फ किताब पढ़कर आ ही नहीं सकती। और इसका कारण समझना मुश्किल नहीं। ब्रेन जो है वो सेंट्रल सीट है इंफॉर्मेशन का, मगर उस तक पहुंचने वाले रास्ते अलग अलग हैं। तो जब आप किसी चीज को सुनते हो तो सिर्फ एक रास्ते से इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन में जा रहा है, जब उसी चीज को सुनने के साथ साथ आप देखते हो, छूते हो, तो और चार दरवाजे खुल गए, तो कितने पुख्ता तरीके से इंफॉर्मेशन वहां पहुंचेगा। यदि आप ही सब बता देंगे तो क्या पूछेंगे हम, क्यों सोचेंगे, क्यों बूझेंगे, क्या खोजेंगे हम। तो थोड़ा मौका तो दीजिए हमें समझने का। क्यों, कब और कैसे, पूछने तो दीजिए हमें। रुक, हंसना नहीं, रुक, चल जा, रुक। आपने वो जादू कैसे किया मुझे भी पता नहीं। कौतूहल, जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी जगाना, क्यों और कैसे का मन में आ जाना, यही समझ की ओर पहला और सबसे जरूरी कदम। लाइट तो ऐसे गई होंगी, ऐसे कैसे गई होंगी मुझे नहीं मालूम। पिछले एक साल से देश भर के बच्चों के साथ खुद बुद खेल रहा है विज्ञान, और खेल आज भी लेकिन बड़ों के साथ। क्या हम स्ट्रॉज से शोर मचा सकते हैं, स्ट्रॉज से लिक्विड्स पीते हैं, शायद बुलबुले बनाते हैं, पर शोर। साइंस हमेशा किताबों से ही पढ़ा हुआ है, इसलिए तुरंत ध्यान में नहीं आता कि प्रैक्टिकली हम उसका यूज कर सकते हैं। जो विज्ञान यूज ना हो भला उसमें क्या मजा। साउंड, ध्वनि, बस एक वाइब्रेशन। एक बनाने में बड़ा बढ़िया लगा और खेलने में बढ़िया लगा। डेफिनेटली ऐसे करेंगे तो समझ में आए, मुझे भी समझ में आ गया, जो मैंने याद किया था मुझे याद नहीं था। सो यू हैव टू थिंक समथिंग वेरी डिफरेंट, आई थिंक दिस मेक्स मोर सेंस एंड इट विल ऑलवेज स्टे। जब बड़ों को आ रहा है इतना मजा तो आप तो सोच ही सकते हैं बच्चों को कैसा लगा होगा। पढ़ाई मतलब बंद चार दीवारी, मोटी मोटी किताबें और पास फेल नहीं। खुद बुद्ध ने किया प्रयोग, खेल के माध्यम से सीखना सिखाना, विज्ञान को स्कूल के बाहर लाकर जीवन से जोड़ना। ऐसा किया तो आवाज जोर से आई। हमें अगर विज्ञान इस तरह पढ़ाई जाएगी तो कंफ्यूजन भी नहीं होगा और पूरे अच्छे से हम समझ भी जाएंगे। खुद बुद्ध का नारा, जब विज्ञान चारों तरफ तो कैसे हो सकता है वो उबाऊ।
साइंस में एक ऐसी बात है अगर करने जाते तो ऐसा लगता है नहीं यार नहीं हो रहा तो फिर से करो। साइंस एक ऐसी चीज है जिसे कभी यूं बोला नहीं जाता कि हम ऐसा कर सकते हैं वैसा कर सकते हैं, पहले उसको करके दिखाना चाहिए उसके बाद में बोलना चाहिए कि हम कर सकते हैं। अच्छा लग रहा। और आया वो मारने हाथी को। दीदी हाथी से टक्कर मारने में तो खुद को ही चोट लगेगी, इससे अच्छा हाथी को टक्कर नहीं मारो। आज पता चला कि हम साइंस से भी खेल सकते हैं। जब तक हम करके नहीं देखेंगे तब तक कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सोच के नहीं बोल सकते, साइंस के लिए एक्सपेरिमेंट जरूरी है। क्यों कैसे क्या जागे जो सवाल, तो कौन रोक सकता है भला बच्चों को सीखने से। मेरे ऊपर एक क्यूरियोसिटी ट्रिगर्ड हुआ है कि मुझे और जानना है। खुद बुद्ध की नींव बहुत से एक्सपर्ट्स का अनुभव। अरे ऐसा होता है क्या? ये जो फीलिंग होता है ये बहुत जरूरी है, तभी हमारे दिमाग खुलते हैं। मानो आपके दिमाग के ताले खुल गए। शिक्षा एडुकेशन जो शब्द है उसका मतलब है टू ड्रॉ आउट, पर जो बच्चे खुद अपने हाथ से करेंगे वो बहुत गहराई से सीखेंगे, उसका जीवन के साथ में कोई रिश्ता जोड़ पाएंगे और उससे एकदम विज्ञान जादुई विज्ञान बन जाएगा। अब आप पैर नहीं हिला सकते, झुक नहीं सकते और आपको कुर्सी से ऊपर उठना है। जादुई विज्ञान, हमेशा साथ रहने वाला विज्ञान, ऐसा विज्ञान जो जुड़े जीवन से। ना उठ पाना थोड़ा अजीब लग रहा है। ये जादू नहीं विज्ञान है। ये ग्लास उड़ सकता है कि नहीं? उड़ा ना, नहीं उड़ना, नहीं उड़ना, नहीं। मुझे लगा कि आपने चीटिंग की है। मुझे ये लगा कि ग्लास उड़ा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये या तो साइंस की मदद से उड़ सकता है या फिर ये चीटिंग है। बच्चे कर लेते हैं खुद ही दो और दो चार, और यही तो है विज्ञान। कि जो विज्ञान हम सीख रहे हैं इसका सीधे सीधे एक बेहतर जिंदगी से संबंध है, अपनी जिंदगी को तब्दील करने से संबंध है, तो वो विज्ञान जो है फिर वो किताबी विज्ञान नहीं रह जाता, वो एक शस्त्र बन जाता है अपने जीवन को बदलने का। तर्क रीजन समझते हैं बच्चे, उन्हें बातों का कारण बताना जरूरी, क्या करने से क्या होता है ये समझ आए तो जीवन से जुड़ता है विज्ञान। जब हम सिगरेट पीते हैं तो उसका जो धुआं होता है वो हमारे लंग्स में जाता है, धूम्रपान से हमारी जिंदगी नष्ट होती है और जिंदगी नष्ट करना तो बेवकूफों वाला काम है। हम उसे कहते कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे बाबा हो, हमारी कोई मदद करो, हमारे घर की आर्थिक स्थिति सही हो जाए, और वो कुछ ढोंग करके वो आग जला देता और हम उस पर विश्वास कर लेते, लेकिन हमें ऐसा करना नहीं चाहिए। अगर कोई व्यक्ति मुझसे कहते हैं कि मैं अपने हाथ से जादू या कुछ दिखा सकता हूँ तो वो आदमी मेरे को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये एक आदमी है, वो बिना सीट बेल्ट के आ रहा है, बहुत स्पीड से आ रहा है, तो यूं स्पीड से आके वो यहाँ पे जाके एक्सीडेंट हो जाएगा। अपन ने ब्रेक लगाया, कार तो रुक जाएगी, अपन हिल सकते, तो सीट बेल्ट अपन को पकड़ के रखता है। हर इंसान हर पशु पक्षी को आजादी का मतलब आजाद होने का हक होता है। रीयूज रिसाइकल रिड्यूस, ये बहुत हमें मतलब वेस्टफुल चीजों को कभी फेंकना चाहिए। प्लीज रीयूज करें, प्लास्टिक से हमारी धरती बहुत ज्यादा प्रदूषित हो रही है। हमने बनाया बेटी और बेटे को एक समान मानना चाहिए। मुझे बहुत गुस्सा आता है जब कोई लड़कियों को कमजोर समझता है। क्या लड़कों से कमजोर नहीं होती है,
वो हमसे ज़्यादा अधिक सोचती है और अधिक करती भी है। डैड का डर, फेल होने का डर, रिजल्ट का डर, रैंक का डर, घर पर मम्मी पापा का डर और स्कूल में प्रिंसिपल और टीचर्स का डर। हम पर कोई हंसे उसका भी डर, हमें कोई बुद्धू समझे उसका भी डर, इतना सारा डर, प्लीज हमें डराना छोड़ दीजिए। सारा डर आजा बाहर, सारा डर आजा बाहर, जमा हो गया और उसको दूर फेंक दो। सीखने सिखाने का दुश्मन है डर। मिल जाए जो बात खुलकर करने की आजादी, तब बनती है बात। ये बात देखी समझी खुद बुद्ध ने बार बार हर बार। लर्निंग के माहौल में डर जैसी चीज होनी ही नहीं चाहिए। जब हम डरते हैं हम करते क्या है, हम डर से भागते हैं। पढ़ाई डरावनी चीज हो जाती है तो पढ़ाई से बच्चे भागेंगे। जो इस तरह का बहुत अथॉरिटेरियन है, तुम्हें ये भी नहीं आता, चुप बैठो, पर सबसे अच्छा शिक्षक जो है वो कहता है बेटा मुझे इसका उत्तर नहीं आता, चलो मिल करके खोजते हैं। ठंडाई भी बढ़ रही है, देख ऊपर से देख ठंडाई क्यों बढ़ रही है। खोजने दे जो जवाब, सोचने दे और बच्चों को डराए नहीं, कैसा टीचर चाहते हैं बच्चे। मेरे को हमेशा हर टीचर से डांट पड़ता रहता है। बच्चों को कभी मारना नहीं चाहिए वरना उनके दिल पे बहुत चोट लगती है। प्रेशर ना डालें बच्चों पर ज्यादा, पढ़ाई के लिए या फिर किसी दूसरी चीज के लिए। अच्छी चीजों का एक फ्रेंड की तरह होना चाहिए, अच्छे से सिखाना चाहिए और मारना भी नहीं चाहिए ज्यादा। साइंटिफिकली देखेंगे तो ये एक्सपेरिमेंट की तरह है, और अगर हम नॉर्मल लाइफ में देखेंगे तो एक खिलौना है जिससे बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। खुशी देते खिलौने, हाथों से बिल्कुल साधारण चीजों से बने खिलौने। हम लोग इस एक्टिविटी को बिल्कुल इस तरीके से करें जैसे चरखा चलाते थे गांधी जी, ऐसा लग रहा है जैसे हम भी चरखा चला रहे हों। खुद बुद्ध का हमेशा बस एक ही नारा, विज्ञान खेलने के लिए चाहिए नहीं साजो सामान। और जब तक बच्चे सफेद कोट ना पहने तब तक विज्ञान नहीं कर रहे हैं। सबसे महंगी चीज किसी प्रयोगशाला में क्या होती है, बच्चे का दिमाग। बिल्कुल मामूली चीजें कैसे बना देती हैं बच्चों के दिमाग को पैना, यही बात साबित की खुद बुद्ध ने बार बार हर बार। नहीं, हमने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि हम लोग इतने से मिरर में इतना बड़ा सूरज देख सकते हैं। बिजली बना दो। कोई भी चीज हमें, चाहे वो बोतल हो चाहे कुछ और, हमें ऐसी नहीं फेंकनी देनी चाहिए। हमने कभी भी इमेजिन नहीं किया था कि हम इससे ये बना सकते हैं। पिछले 10 साल में मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम लोग कुछ ऐसा कर पाएंगे, इतनी आम चीजों से इतना अच्छा कुछ बना पाएंगे। ये बहाना मत बनाए कि एक्सपेरिमेंट्स कैसे करें। अरे ये सामान तो सबके पास होता है, और अगर नहीं है तो कर लीजिए ना जुगाड़। जिज्ञासा हर बच्चे में होती ही है। Hey, see this? Wow. इसीलिए सीखना सिर्फ परीक्षा लिखने और नंबर पाने के लिए नहीं। मैं इधर से इंसेक्ट्स के बारे में जानकारी प्राप्त करूंगी और बाकी सबको बताऊंगी। ये मुझे लगता है कि शायद इसी को देख के लोगों ने हेलीकॉप्टर बनाया था। आज अपनी आखिरी मुलाकात में हर बच्चे से अपील खुद बुद्ध की। कभी कोई प्रोजेक्ट खरीदिए मत, आप खुद बच्चे अपना आप प्रोजेक्ट बनाए, उसका मजा लें और उसका एक परमानंद। खुद बुद्ध एक प्रयोग, एक सोच, विज्ञान की एक ऐसी यात्रा जिसने साबित किया कि हर बच्चा सीख सकता है, समझ सकता है। खेल की सबसे बड़ी चीज ये सीखी कि साइंस का महत्व क्या होता है। हवा से हम बहुत कुछ कर सकते। जैसे क्या? जैसे इलेक्ट्रिक पैदा कर सकते, और अगर कहीं पे बिजली ना हो तो बिजली पैदा कर सकते,
तो पानी पानी के लिए भी कर सकते हैं हवा का। अगर आज हम एक छोटा सा टॉय बना रहे हैं तो कल शायद उस टॉय का हम एक बड़ा वर्जन बना दें। तो इसीलिए बच्चों को साइंस के साथ पढ़ना भी चाहिए और खेलना भी चाहिए साइंस को। मैथ्स या साइंस सिर्फ हम बुक्स के थ्रू नहीं पढ़ सकते, वो हम अपनी डेली लाइफ में उसे यूज़ करके ही हमें वो कॉन्सेप्ट समझ में आ सकता है। नहीं, गलती करना बुरा नहीं है क्योंकि हम सीखते हैं जब हम लोग गलती करते हैं, और फिर गलती का हल निकाल के हमें सही आंसर मिलता है। आज खुदबुद का टीवी पर लास्ट एपिसोड है, मतलब टीवी पर खुदबुद खत्म। लेकिन आप कीजिए बिल्कुल बिल्कुल एक नई शुरुआत। अरे खुद अपनी बुद्धि लगाइए और खुदबुद 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 खुदबुदाते ही रहिए। बाय। खुदबुद आपको कैसा लगा? अपनी प्रतिक्रियाएं, सुझाव और प्रश्न हमें लिख भेजें इस पते पर: खुदबुद विज्ञान प्रसार, C24, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, न्यू दिल्ली 110016। ईमेल आईडी है info@विज्ञानप्रसार.gov.in।